समझौता तो हो गया, लेकिन मेरा दर्द कौन हरेगा, दर्द कौन समझेगा, कौन समझेगा दोस्तों। समझौता नहीं, मेरे साथ, मेरे ज़िंदगी के साथ मजाक हुआ है। और ये मजाक देखिए कब तक चलता है, मेरा हाथ कब तक सही होता है। मैं अच्छे से बता रहा हूँ दोस्तों कि इस हाथ से हर चीज़ नहीं, हर वो काम नहीं कर पा रहा जो यही इस हाथ से करता था। खा नहीं पा रहा हूँ, दतुअन नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, समझ सकते हैं दोस्तों, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं। चलिए नमस्कार दोस्तों, और मैं बताना चाहता हूँ जो कल समझौता हुआ था, उस समझौता नहीं था, बस मेरा मजाक बनाया गया था दोस्त। क्योंकि देखिए वहाँ पे बात हुआ है, चलो ठीक है, हम आराम से सुख दुख हर चीज़ देखेंगे, लेकिन कल से शाम से ही कुछ ना खाना बना रही हैं। सुबह भी उठी, हम अलग सोए थे, अलग सोए थे, मैं यहाँ सोया था इस छत पे, वो उस छत पे सोई थी, और उसके बाद भी इस समय भी ना खाना बना रही हैं। सुबह एक बार बोली हैं चैनल मोनेटाइज हुआ है कि नहीं, मेरा देख लो एक बार। मैं देखा, अभी नहीं हुआ था, मिला अभी नहीं, हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों फिर अपना जाग बैठ के आराम कर रही हैं, अभी मैं ब्रश तक नहीं किया हूँ। और दोस्तों हाथ को टूटने कारण मतलब अब सीधा नहीं होता है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि मतलब फ्रैक्चर नहीं हुआ, तो फ्रैक्चर नहीं हुआ दोस्त, यहाँ से गांठ जैसे जैसे लड़ा और हड्डी छोड़ दिया, मतलब बीच में गैप आ गया है, और वो अगर नहीं होता तो मांस रख लेता, इसलिए दोस्तों ऐसा किया गया है। और उसके बाद फिर इस हाथ से ब्रश नहीं कर पाता हूँ उतने तरीके से, अब क्या करे, और इससे पानी कुल्ला नहीं कर पाता हूँ, खाना भी नहीं इसे खा पाता हूँ बढ़िया से, लेकिन क्या करे, मेरी किस्मत है। मेरी किस्मत कहाँ तक ले जाती, मैं जानता हूँ मेरा कोई सहारा नहीं होगा, क्योंकि कल समझौता तो हो गया, लेकिन कौन कौन जिम्मेदार होगा इसका, कोई नहीं होगा, कोई नहीं साथ देगा हमारा। क्यों? क्योंकि सब जानते हैं ना, हमें मेरी किस्मत में ही लिखा है भोगना, भगवान करे ऐसा किसी के साथ ना हो, कभी ना हो, क्या करे दोस्त। लगता है, मेरे को लगता है कि मैं बहुत बहुत सही कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, बहुत गलत कर रहा हूँ, मेरी किस्मत ख़राब हो चुकी है, पैसे आने से नहीं होता है, सुकून नहीं है मेरे अंदर। क्यों? क्योंकि मेरे समझने वाला, एक पत्नी का धर्म होता है, पति की, देखिए झगड़ा अलग चीज़, झगड़ा हुआ, लेकिन पति का जो हाथ टूटा है, पति का स्थिति क्या है, देखना, सोचना, समझना, सुबह उठाना, रियल में ब्रश नहीं कर पाता हूँ, इस हाथ से करता हूँ, कट जाता है, यहाँ यहाँ पे फूल गया है, अंदर कल कर रहा था, लग गया अंदर, लेकिन क्या करें, क्या मेरा परीक्षा भगवान ले रहे, मुझको खुद नहीं पता है कि भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ, लेकिन हाँ इतना जानता हूँ सुख आएगा तो दुख भी आएगा, और हमें नहीं लगता है। कल वहाँ थाने पे हम लोग गए थे दोस्तों, वहाँ साहब लोग समझाएं कि जाओ आराम से घर रहो, दोनों लोग अच्छे से रहो, वहाँ पे मीडिया वाले भी थे, इंटरव्यू लिए, उसमें भी बहस हुआ। उसके बाद मैं बोला चलो ठीक है, मैं जो भी करूँगा, जो भी आप कहोगी मैं वही करूँगा, कोई दिक्कत नहीं, वही सही रहूँगा। लेकिन नहीं आई शाम से, ना बोल रही हैं, बोल भी नहीं रही है, नहीं है कि हमसे बोल रही हैं, बतिया रही कि जो झगड़ा हुआ हुआ, हाथ तुम्हारा कैसा, दवाई खाए कि नहीं खाए, कुछ खाना है कि नहीं खाना है, या कुछ घाटा है उसको जाओ मंगवाओ मैं बनाती हूँ, कोई मतलब नहीं, आराम से बैठी हैं। और जो कह रही थी हम काम करेंगे, काम भी नहीं करेंगे, मैं जानता हूँ ज़िंदगी में बर्बादी है मेरे और कुछ नहीं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जिसका कोई नहीं होता है उसका ऊपर वाला होता है, और ये मेरे किए की सज़ा है। किसी से ज़्यादा प्यार करना, किसी पे भरोसा करना, और किसी को अपना हद ज़्यादा मानने का यही नतीजा है। चलो आज फिर से शुरुआत करते हैं, जीरो से शुरुआत करते हैं, छोड़ देंगे सब चीज़ और कर लेंगे। और उनका कहना है कि हमको आधा पैसा दो, मैं सोचता हूँ आप पूरा ले लो भाई, आप काम करो, हमें सुकून से रहने दो, जाने दो, हमें कमाने, मैं कमाने जा रहा हूँ, वहाँ भी जाने दो, अगर तुम्हें करना है आप करो, मुझे सिर्फ पैसे का भूख नहीं है, प्यार भी चाहिए,
पैसा जो आता है वैसे ही चल जाता है, गाड़ी का किस जाता है, कैमरे का जाता है, मोबाइल का जाता है, अभी घर बना इसका कर्जा लिया हूँ, धीरे धीरे देता हूँ, क्या कहें। और बहुत कुछ है दोस्तों, गाड़ी का तेल, लोगों का देखना, सुख दुख हर चीज़ देखना, नहीं किसी को पता है, कोई दिक्कत नहीं। बस मैं ये कहना चाहता हूँ, अपना बॉडी अपना है, कोई आपका साथ नहीं देगा, कोई नहीं साथ देने वाला है, अपने को ही दुख सुख झेलना पड़ेगा। समझौता हो गया, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आ गए घर, लेकिन इस मेरे इस दर्द को कौन हरेगा, कौन सही करेगा, झेलना तो हमको पड़ेगा ही ना, ये नहीं दिखेगा किसी को और दिखता भी नहीं है। कल से खाना नहीं बनाए भाई, शाम से आई है, नहीं खाना बनाई है, इस समय भी नहीं बनाई है, शाम को देखिए बनाती हैं कि नहीं बनाती हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आराम से जो भी होगा, जो किस्मत में लिखा है वो तो होना ही है। बस आप लोग देखिए और मेरी किस तरह ये टूटा हुआ हाथ का ज़िंदगी काटता, आप लोग देखिएगा, आप लोग प्यार दीजिएगा दोस्तों। बस यही कहता हूँ, हद से ज़्यादा किसी से प्यार मत करना, किसी भी चीज़ में, कोई भी चीज़ में। कहा जाता है, न अति बरखा न अति धूप, न अति बोलब न अति चूप, मतलब बरखा भी ज़्यादा, जो चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता। और हाँ, मैंने गलती किया, अपने से ज़्यादा वैल्यू सबको दे करिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए,